व्यावसायिक वित्त की विधियां या स्रोत अपन ने अध्ययन किया था, अब आज उसी में उसी का एक भाग बचा हुआ था। तीसरा है व्यापारिक बैंक, व्यापारिक बैंक कॉमर्शियल बैंक्स। व्यापारिक बैंक वे बैंक होते हैं जो व्यापार की अल्पकालीन ऋणों की आवश्यकताएं को पूरा करते हैं। क्योंकि बैंक अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं, अतः इनके द्वारा प्रदत्त ऋणों को चालू पूंजी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। व्यापारिक बैंकों के संबंध में निम्न तथ्य महत्वपूर्ण है। पहला, व्यापारिक बैंकों की संख्या। भारतवर्ष में व्यापारिक बैंक की संख्या बढ़ रही है, जो पहले 283 थे आजकल 300 के पार गए। बैंकों की शाखाएं भी बढ़ रही है, जमाएं भी इनकी बढ़ रही है, और व्यवसाय कार्यों के लिए ये ऋण देने के लिए भी आगे हैं, यानी ये ऋण देने का कार्य भी कर रहे हैं। वृद्ध मध्यम श्रेणी के उद्योगों उनके आकार के अनुसार ही सर्वाधिक ऋण प्राप्त होते हैं। व्यापारिक बैंकों क्षेत्र को बहुत बड़ी राशि उपलब्ध कराते हैं। व्यापारिक बैंक व्यवसाय क्षेत्र को, व्यापारिक क्षेत्र को बहुत बड़ी राशि ऋण के रूप में उपलब्ध करवाते हैं। अब है व्यापारिक बैंकों में से पूंजी प्राप्ति में कठिनाई। व्यापारिक बैंकों से पूंजी प्राप्त करने में क्या कठिनाई आती है? पहली, व्यापारिक बैंक प्राय स्टॉक या अचल संपत्तियों पर ही ऋण देते हैं, अतः कई बार नए व्यवसायी ऋण प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। व्यापारिक बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दरें भी काफ़ी ऊंची होती है। व्यापारिक बैंकों को कोई विशेष औपचारिकताएँ पूरी करनी पड़ती है, अतः सामान्य व्यापारी के लिए ऋण महंगा पड़ता है। ये बैंक प्राय संपत्तियों के 50-60% मूल्य के बराबर ऋण प्रदान करते हैं। इन बैंकों में भाई भतीजावाद भी पाया जाता है। बैंक व्यक्ति के साख पर ऋण नहीं देते हैं। बैंक से प्राप्त ऋणों का ब्याज प्रत्येक तिमाही से लगाया जाता है। व्यापारिक बैंकों द्वारा प्राय ख्याति प्राप्त संस्थाओं को ही विशेष रूप से ऋण दिए जाते हैं। नई संस्थाओं को ऋण लेने में दिक्कत आती है, और जिनकी ख्याति नहीं होती उन संस्थाओं को भी ऋण प्राप्त करने में कठिनाई आती है। अब ऋण प्रदान करने में बैंकों की कठिनाई, जो बैंक है वो ऋण देने में उनको क्या कठिनाई आती है? तो बैंकों के सामने भी ऋण प्रदान करने में कुछ कठिनाइयाँ हैं, वह इस प्रकार है। पहली, बैंकों के पास आजकल बहुत कम निक्षेप जमा होने के लिए आते हैं। मूल्यवृद्धि के कारण जनता धन बचा नहीं पाती है और बैंकों में जमा नहीं हो पाता है। सरकार व्यापारिक बैंकों में अपना धन जमा नहीं करवाती है, इससे भी बैंकों में धन जमा होने कम ही आता है। प्राप्त जमा कोषों में से बैंकों तरल कोष विकने पड़ते हैं, अतः चालू पूंजी के लिए बहुत कम ऋण दे पाते हैं। व्यापारी बैंकों को कानून रूप से बाध्य होकर भी सरकारी प्रतिभूति में धन विनियोग करना पड़ता है, और बैंकों के पास चल संपत्तियां को सुरक्षित रखने के लिए गोदामों का भी अभाव पाया जाता है, और बैंकों के पास विशेषकों का भी अभाव है, और बैंकों को ऊंची दर पर ही जमा कोष प्राप्त होते हैं, अतः उधार की दरें भी ऊंची होनी स्वाभाविक है। बैंकों पर रिजर्व बैंक का पूर्णतः नियंत्रण रहता है, अतः ये बैंक स्वतंत्रतापूर्वक कार्य नहीं कर पाते हैं। बिलों के पुनः भुगतान की सुविधाओं का भी अभाव है। बैंकों की ऋण प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव। ऋण प्रणाली में सुधार करने हेतु निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं। पहला, ऋण प्राप्त करने में औपचारिकताओं को कम करना चाहिए। उधार रणनीति का पालन करना चाहिए। साख विशेषज्ञों से जमानत के रूप में रखी जाने वाली संपत्ति का उचित मूल्यांकन कर ऋण प्रदान करना चाहिए। ऋण की स्वीकृति में तत्परता दिखानी चाहिए और छोटे व्यापारियों को ऋण प्रदान किए जाने चाहिए। इन बैंकों को भाई भतीजावाद को ऋण के मामलों से दूर रखना चाहिए। बैंकों को जमाओं की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, और बैंकों को सरकार को भी इन बैंकों में विनियोग करना चाहिए, और इन बैंकों को अपने धन के विनियोग के मामले में स्वतंत्रता दे देनी चाहिए। व्यापारी बैंकों की शाखाओं के विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित देना चाहिए। अब चौथा स्रोत है वित्त का, राजकोष, डिप्रेशन फंड। प्रतिवर्ष स्थायी संपत्तियों जैसे भवन, मशीन आदि पर राजकोष बनाया जाता है, ताकि संपत्तियों के बेकार हो जाने या अपरिचित हो जाने पर नई संपत्तियों का क्रय किया जा सके। इस कोष का प्रतिवर्ष शेष बढ़ता जाता है जब तक कि संपत्तियां कर निकले जाए, अतः इस कोष का कुछ वर्षों तक कार्यशील पूंजी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। आज भारत में औद्योगिक संस्थाओं में इस प्रकार के कोषों द्वारा वित्त प्राप्ति का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। साहूकार या देशी बैंकर्स, इंडिजिनस बैंकर्स। साहूकार या देशी बैंकर्स अति प्राचीन काल से ही वित्त के स्रोत रहे हैं। देशी बैंकर्स हमारे देश में अपना व्यवसाय पारिवारिक या व्यक्तिगत रूप से किया करते हैं।
देश के विभिन्न भागों में देशी बैंकर्स को विभिन्न नामों जैसे महाजन, साहूकार, सेठ, शराब, चेटी आदि आदि नामों से पुकारते हैं। ग्रामीण वित्त की अधिकांश आवश्यकताओं देशी बैंकर्स ही पूरा करते हैं। अनुमान लगाया जाता है कि आज भी 50 से 60% तक ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं की पूर्ति देशी बैंकर्स द्वारा ही की जाती है, किंतु इसके द्वारा लिए जाने वाले ऋण की ब्याज दर भी 12% से 24% के बीच में होती है, जो काफ़ी ऊंची दर कही जा सकती है। इसके अतिरिक्त इनके पास विशाल धनराशि नहीं होती है, ये बड़े उद्योगों के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं जुटा पाते हैं। पिछले कुछ वर्षों से व्यापारिक बैंकों का अधिक विस्तार हो रहा है, छोटे छोटे गाँव में भी बैंकों की शाखाएँ खुल रही है। इससे इन देशी बैंकर्स का महत्व कुछ कम अवश्य हुआ है, किंतु इनका महत्व बिल्कुल समाप्त नहीं हुआ है। छोटी व्यवसाय संस्थाओं, एकाकी व्यापारी तथा साझेदारी संस्थाओं के लिए इस स्रोत का विशेष महत्व है। फिल्म उद्योग, जवाहर उद्योग में भी देशी बैंकर्स या साहूकारों द्वारा वित्त पोषण का महत्वपूर्ण स्थान है। वित्तीय कंपनियां, फाइनेंशियल कंपनीज। हमारे देश में अनेक वित्तीय कंपनियां हैं जो जनता से अनेक बचत योजनाओं के अंतर्गत धन एकत्रित करती है और उस धन को उद्योगों को उधार दे देती है। कई चिटफंड कंपनियां हमारे देश में काम कर रही है, वे ये व्यावसायिक संस्थाओं की संपत्तियों गिरवी रख देती है। ये कंपनियां अंशु ऋण पत्रों, प्रतिज्ञा पत्रों, बिलों, हुंडियों आदि पर भी ऋण उपलब्ध करवाती है। ग्राहकों से अग्रिम, कस्टमर्स एडवांस। कई व्यवसाय संस्थाएं अपने अल्पकालीन पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ग्राहकों से माल के आदेश के साथ ही अग्रिम ले लेती है, किंतु इस स्रोत उन्हीं संस्थाओं के लिए खुला है जिनके द्वारा उत्पादित माल की मांग बहुत अधिक है अथवा बाजार पर ऐसे व्यवसायों का एकाधिकार है। रसोई गैस, स्वचालित वाहन, टेलीफोन, रेल, आवासीय कंपनी आदि के लिए स्रोत खुला हुआ है। अन्य स्रोत, अदर सोर्सेज। इन उपयुक्त वर्णित मूल स्रोतों के अतिरिक्त भी कभी कभी अन्य कुछ स्रोत भी खुल जाते हैं। कंपनी की दशा में एक कंपनी अपने ही संचालकों के अधीन दूसरी कंपनी से ऋण प्राप्त कर सकती है। एकाकी व्यापार तथा साझेदारी संस्थाएं भी अपने निकट के मित्रों तथा रिश्तेदारों की संस्थाओं से अल्पकालीन ऋण उठा लेती है और आपस में सहयोग करती है। कई व्यवसाय संस्थाओं दलालों के माध्यम से भी धन प्राप्त कर सकती है। कई बार संस्थाएं किराया, करे या किस्त भुगतान पद्धति के आधार पर मशीनें तथा आवश्यक सामान खरीद लेती है तथा अपनी अल्पकालीन आवश्यकता की पूर्ति कर लेती है। आधुनिक युग में कंपनी के लिए कुछ नवीन स्रोत और भी बन गए हैं जिनके माध्यम से अल्पकालीन और मध्यमकालीन ऋण प्राप्त कर सकते हैं। जैसे विदेशों से व्यापारिक ऋण प्राप्त किए जा सकते हैं, कंपनियां वाणिज्यिक विपत्र जारी करके बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकती है, जमा प्रमाणपत्र योजना के अधीन भी बैंकों से ऋण प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार ये वित्त के व्यवसाय वित्त के स्रोत हैं, विधियाँ थी जिनको अपने दो भागों बांटे अध्ययन किया है, स्थायी पूंजी और दीर्घकालीन पूंजी, दूसरा अल्पकालीन पूंजी या कार्यशील पूंजी। अब है उत्पादन प्रबंध। उत्पादन प्रबंध क्या है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रत्येक संस्था का अस्तित्व ही दिन प्रतिदिन की उत्पादन क्रियाओं पर निर्भर करता है। प्रत्येक संस्था का अस्तित्व ही उत्पादन पर निर्भर है। इस सृजनात्मक प्रक्रिया के बिना संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। अतः प्रत्येक संस्था के लिए नहीं अपितु संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए भी उत्पादन कार्य अपरिहार्य हैं। ऐसे उत्पादन प्रबंध की महत्ता तो स्वतः स्पष्ट हो जाती है। पहला है उत्पादन कार्य का अर्थ, मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। उत्पादन कार्य एक ऐसी व्यापक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कच्चे माल या अनिर्मित वस्तुओं में उपयोगिता सृजन किया जाता है। दूसरे शब्दों में अपन यह कह सकते हैं, उत्पादन कार्य वह कार्य है जिसके अंतर्गत प्रकृति या यंत्रों या मनुष्यों अथवा तीनों के सहयोग से कच्चे माल से किसी उपयोगी वस्तु का निर्माण किया जाता है अथवा किसी वस्तु का रूप परिवर्तित या संशोधित करके उसी अधिक उपयोगी बनाया जाता है। उत्पादन कार्य उत्पादन प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होता है। पहली परिभाषा है इसकी बेथल अटवाटर के अनुसार, कारखाना पद्धतियों से कच्चे माल का समाज द्वारा इच्छित वस्तु में रूपांतरित करना ही उत्पादन है। मेयर के अनुसार, निर्माण संगठन में मनुष्यों, सामग्री तथा उपकरणों के उपयोग से भौतिक वस्तुओं का सृजन करना उत्पादन है तथा सेवा संगठन में किसी उपयोगी कार्य का निष्पादन करना उत्पादन है। कार्ल हेल के अनुसार, उत्पादन कच्चे माल अथवा क्रय के संगठकों को विक्रय के लिए तैयार माल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। उत्पादन शब्द एक विस्तृत शब्द है। मुसलमान तथा जैक्सन के ने कहा कि फसल उगाने, जंगलों, खानों, समुद्रों में से सामग्री प्राप्त करना और उसका संयोजन या मिश्रण करना उत्पादन कहलाता है। उत्पादन शब्द में निर्माणी प्रक्रिया भी सम्मिलित है जिसमें कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित किया जा सकता है या किया जाता है।
जिससे मानवीय आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की संतुष्टि होती है। निष्कर्ष रूप से हम यह कह सकते हैं कि उत्पादन एक प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं की प्रकृति, मानव अथवा मशीन अथवा तीनों के सहयोग से उत्पादन किया जाता है अथवा उन्हें अधिक उपयोगी बनाने के लिए उनके रूप में परिवर्तन किया जाता है जिनसे मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। उत्पादन की इसी प्रक्रिया को अर्थशास्त्री सदैव ही उत्पादन कार्य के नाम संबोधित करते रहे हैं। प्रबंध शास्त्री इसे एक प्राचीन शब्द मानते हैं तथा इसके स्थान पर उत्पादन प्रबंध या परिचालन प्रबंध शब्द का उपयोग करते हैं। इसके पीछे कारण केवल यही कि उत्पादन का कार्य क्षेत्र अत्यंत विस्तृत हो गया है। अब उत्पादन प्रबंध प्रोडक्शन मैनेजमेंट। उत्पादन प्रबंध एक विस्तृत शब्द है। यह शब्द केवल उत्पादन प्रक्रिया के प्रबंध को ही अंकित नहीं करता है बल्कि उसका संबंध उन सभी कार्यों से है जो उत्पादन में सहायता पहुंचाते हैं। उत्पादन प्रबंध का समुचित अर्थ समझने के लिए हम कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं। पहली परिभाषा है एल वुड एस भूफा के अनुसार, उत्पादन प्रबंध उत्पादन प्रक्रियाओं से संबंधित निर्णय करने की प्रक्रिया है ताकि विशिष्ट विवरणों के अनुरूप विशिष्ट मात्रा में निर्धारित अनुसूची के अनुसार न्यूनतम लागत पर उत्पादन किया जा सके। डेल एस बी ब्रिज के अनुसार, उत्पादन प्रबंध किसी उपक्रम के उस भाग के परिचालन के प्रभावशाली नियोजन एवं नियमन की प्रक्रिया है जो कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है विलियम वोरिस के अनुसार, उत्पादन प्रबंध से आज से आदान प्रदान प्रणालियों की उन जटिल श्रृंखलाओं के प्रबंध से हैं जो परियोजनाओं एवं उत्पादों की डिजाइन से लेकर अंतिम उत्पाद के प्रेषण तक के क्रम में एक साथ जुड़ी होती है। निष्कर्ष रूप में अपने यह कह सकते हैं उत्पादन प्रबंध उत्पादन प्रक्रिया तथा उससे संबंधित क्रियाओं के नियोजन संगठन निर्देशन नियंत्रण की प्रक्रिया है जिससे समाज की इच्छित उच्च किस्म की वस्तुओं या सेवाओं का न्यूनतम लागत पर कुशलतापूर्वक उत्पादन किया जाता है। उत्पादन प्रबंध की विशेषताएं या प्रकृति, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। उत्पादन प्रबंध की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिनके आधार पर इसकी प्रकृति को भली प्रकार समझा जा सकता है। पहली, संपूर्ण प्रबंध की एक शाखा। उत्पादन प्रबंध संपूर्ण प्रबंध की एक शाखा है। दूसरा, उत्पादन से संबंधित प्रबंध प्रक्रिया। ये उत्पादन प्रक्रिया से संबंधित कार्यों का नियोजन संगठन निर्देशन नियंत्रण करता है। व्यापक क्षेत्र, उत्पादन प्रबंध का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसका क्षेत्र माल या वस्तुओं के रूपांतरण द्वारा उपयोगिता का सर्जन करने तक ही सीमित नहीं है। इसमें उत्पादन से संबंधित अन्य अनेक क्रियाएं यथा गति व समय अध्ययन, उत्पादन डिजाइन, शोध विकास, किस्म नियंत्रण आदि कई क्रियाएं इसके क्षेत्र में सम्मिलित है। भौतिक वस्तुओं का आदान प्रदान, उत्पादन प्रबंध भौतिक वस्तुओं का आदान प्रदान करता है। इसमें आदान या निवेश के रूप में कच्चा माल या अनिर्मित माल आदि कोई न कोई माल या वस्तु होती है जिसका उत्पादन प्रक्रिया में प्रसंस्करण किया जाता है ताकि किसी उपयोगी वस्तु या सेवा के रूप में प्रदान या उत्पादन समाज को दिया जाता है। मूल्य या उपयोगिता वृद्धि, उत्पादन प्रबंध के प्रयासों से किसी माल या वस्तु के मूल्य या उपयोगिता में वृद्धि होती है। परस्पर पर संबंधित कार्य, उत्पादन प्रबंध संस्था की अन्य क्रियाओं से परस्पर पर संबंधित कार्य हैं। विपणन प्रबंध, सेवा के प्रबंध, वित्तीय प्रबंध के कार्य उत्पादन प्रबंध से प्रभावित होते हैं तथा ये इसको भी प्रभावित करते हैं। दोहरी भूमिका, उत्पादन प्रबंध को एक ओर अपने विभागीय कार्य करने होते हैं तो दूसरी ओर इसी अपने विभागीय मामलों के संबंध में विशेषज्ञ के रूप में उस प्रबंध को परामर्श भी देना होता है। तकनीक कार्य, उत्पादन प्रबंध एक तकनीक कार्य है जिसे करने के लिए तकनीक ज्ञान वाले व्यक्तियों की ही आवश्यकता पड़ती है। स्वचालित प्रक्रिया, आधुनिक उत्पादन प्रबंध स्वचालित प्रक्रिया है। कुछ उत्पादन कार्यों में तो पूर्ण स्वचालन या कंप्यूटरीकरण व्यवस्था होती है, कुछ कार्यों में रोबोट का भी उपयोग किया जाने लगा है। कला विज्ञान, उत्पादन प्रबंध तकनीकी प्रधान कार्य हो गया है फिर भी इसके प्रबंध के कार्यों का निष्पादन करना एक कला ही है, एक कला विज्ञान का संगम है। उत्पादन प्रबंध का क्षेत्र या कार्य, उत्पादन प्रबंध का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। इसके अनेक कार्य हैं जिनका अपन अध्ययन करते हैं। पहला, उत्पादन की अभिकल्पना करना, डिजाइनिंग ए प्रोडक्ट। उत्पादन प्रबंध का प्रथम कार्य उत्पादन की अभिकल्पना करना है। उत्पाद की अभिकल्पना या रूपरेखा उत्पादन विभाग का तकनीकी अनुभाग तैयार करता है। इस हेतु यह अनुभाग उत्पादों की रूपरेखा तैयार करता है, उसका रेखा चित्र मॉडल तैयार करता है, उसके लिए विशिष्ट विवरण तैयार करता है तथा सूत्रों का निर्धारण करता है। इसके अतिरिक्त उत्पादन प्रक्रिया में ध्यान देने योग्य निर्देश भी तैयार करता है। कभी कभी उत्पाद अभिकल्पना तैयार करते समय ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप रंग, किस्म, प्रचार आदि का निर्धारण भी किया जाता है ताकि वस्तुओं का आसानी से विक्रय किया जा सके।
कारखाने का संगठन तैयार करना, प्रिपेयरिंग द फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन। उत्पादन प्रबंध का अगला महत्वपूर्ण कार्य कारखाने के संगठन का ढांचा तैयार करना है। इस हेतु कारखाने के संपूर्ण कार्य को विभिन्न उपकार्यों तथा उपभागों में विभक्त करके प्रत्येक उपकार्य के लिए आवश्यक अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या निर्धारित कर दी जाती है तथा उन्हें उनके कार्य एवं अधिकार सौंप दिए जाते हैं तथा उनमें औपचारिक संबंध निर्धारित कर दिए जाते हैं। इससे उत्पादन के प्रत्येक कार्य उपकार्य उपभाग का संचालन अत्यंत प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। तीसरा कार्य उत्पादन के स्थान का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ लोकेशन। यह सर्वविदित है कि उत्पादन का स्थान भी उत्पादन की लागत और कुशलता को प्रभावित करता है। अतः उत्पादन प्रबंध का एक कार्य यह भी है कि वह उत्पादन के लिए उपयुक्त स्थान का चुनाव करे। उत्पादन का स्थान ऐसा होना चाहिए जहां पर यातायात, श्रम और कच्चे माल की लागत न्यूनतम हो। इसके अतिरिक्त स्थान का चुनाव करते समय भूमि भवन की लागत, शक्ति साधनों की लागत, इसका नीति इत्यादि को ध्यान रखना चाहिए। उत्पादन प्रणाली निर्धारित करना, फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। उत्पादन तीन प्रमुख प्रणालियां होती है, जो उत्पादन प्रणाली, प्रक्रियात्मक उत्पादन प्रणाली, बेच या आवर्तक उत्पादन प्रणाली, और उत्पादन की इन प्रणालियों के आधार पर उत्पादन कार्य किया जाता है। और उत्पादन प्रबंधक को अपनी संस्था के उत्पादों की प्रगति तथा उत्पादन के पैमाने को ध्यान में रखकर उत्पादन प्रणाली का चुनाव करना चाहिए। उत्पाद नियोजन करना, उत्पादन प्रबंधक का एक महत्वपूर्ण कार्य उत्पाद नियोजन करना भी होता है। उत्पादन नियोजन करने के लिए उत्पादन प्रबंधक को निर्धारित करना होता है कि कौन सी वस्तु कब कहाँ किस प्रकार किन साधनों के किनके द्वारा प्राप्त की जाएगी। उत्पाद यंत्रों एवं उपकरणों का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन मशीन एंड इक्विपमेंट। आधुनिक युग विज्ञान युग है जिसमें एक ही वस्तु के उत्पादन के भिन्न भिन्न प्रकार के यंत्र एवं उपकरण उपलब्ध है। उत्पादन प्रबंधक को ही अच्छे प्रभावकारी मितव्ययी मशीनों एवं उपकरणों का चुनाव करना होता है। उत्पादन मशीनों एवं उपकरणों का चुनाव करते समय उत्पादन प्रबंधक को अनेक बातों यथा उत्पादन का पैमाना, वस्तु किस्म, मशीन की लागत तथा उसकी उत्पादन क्षमता, उपलब्ध वातावरण में मशीन की उपयुक्तता, नवीन तकनीक को अपनाने की क्षमता आदि को ध्यान में रखना चाहिए। कर्मचारियों को प्राप्त करना तथा उनसे कार्य करवाना। उत्पादन प्रबंधक को अपने विभाग के लिए आवश्यक कर्मचारी भी प्राप्त करने होते हैं। इस हेतु वह अपने संस्था के सहयोगी विभाग को लिखकर दे सकते हैं। सहयोगी विभाग उत्पादन विभाग के द्वारा मांगे गए उचित योग्यता प्राप्त व्यक्ति उपलब्ध कर सकता है। यदि ऐसे कोई विभाग नहीं है तो उत्पादन विभाग भी ये कार्य कर सकता है और अपने लिए आवश्यक कर्मचारी नियुक्त करने का कार्य पूरा कर सकता है। ये आवश्यक योग्यता वाले कर्मचारी प्राप्त कर लिए जाते हैं तो उनको उनके कार्य पर लगाया जाता है। उत्पादन प्रबंध उनसे कार्य करवाने के साथ उनकी विभिन्न भौतिक, मानसिक और सामाजिक कठिनाइयों पर भी ध्यान देता है तथा उन्हें दूर करने का प्रभावी प्रयास करता है। संयंत्र विन्यास तैयार करना तथा मशीनें स्थापित करना। उत्पादन विभाग अपने कारखाने में स्थापित किए जाने वाले संयंत्र का विन्यास तैयार करवाने का कार्य भी करता है, फिर उसी अभिन्यास के अनुरूप अन्य मशीनों, उपकरणों आदि को स्थापित करता है। संयंत्र विन्यास करते समय कार्यों के मार्ग को निर्धारित कर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में कच्चे माल से पक्के माल बनाने की प्रक्रिया में माल तथा कर्मचारियों के प्रवाह का मार्ग भी निर्धारित कर दिया जाता है। ऐसा करने से न्यूनतम लागत पर उत्पादन कार्य को संपन्न किया जा सकता है। उत्पादन समय सारणी बनाना। उत्पादन प्रबंध का एक कार्य उत्पादन समय सारणी अनुसूची बनाना भी होता है। इस समय सारणी में उत्पादन की मात्रा को समय और तिथि क्रम में दर्शाया जाता है, जिसे ज्ञात हो जाता है कि किस किस दिन किस समय तक कितना उत्पादन किया जाना है। उत्पादन करते समय इस सारणी को ध्यान में रखकर ही माल की मांग तथा उत्पादन की मात्रा में समन्वय स्थापित किया जाता है। इससे न तो तैयार माल के स्टॉक का संग्रहण होता है और न ही बाजार में माल की पूर्ति में बाधा उपस्थित होती है। सामग्री की अधिक प्राप्ति। उत्पादन प्रबंध को अपने उत्पादन क्रियाओं के लिए आवश्यक सामग्री की अधिक प्राप्ति भी करनी पड़ती है। इस हेतु वह सभी कार्य करता है जिससे उचित किस्म की, उचित मात्रा में, उचित मूल्य पर, उचित समय स्थान पर आवश्यक सामग्री प्राप्त कर सके। ऐसा करके ही अच्छे किस्म के उत्पादन को भी सुनिश्चित किया जा सकता है। सामग्री का संग्रहण तथा प्रभाव बनाए रखना। उत्पादन प्रक्रिया में कच्चा माल तथा अन्य आवश्यक सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, अतः उसी यथासंभव समय प्राप्त करके उसका संग्रहण करना तथा आवश्यकता अनुसार उत्पादन स्थल तक प्रभाव बनाए रखना भी उत्पादन की सफलता के लिए परम आवश्यक है। उत्पादन प्रबंध को ये सभी कार्य भी करने चाहिए। उत्पादन नियंत्रण करना। उत्पादन प्रबंध का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है उत्पादन नियंत्रण करना। नियंत्रण करने से पूर्व निर्धारित प्रक्रिया में पूर्व निर्धारित प्रवाह अनुसूची के अनुरूप उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसका नियंत्रण करना। इसका नियंत्रण से तात्पर्य कच्चे अनियमित माल या सामग्री या निर्मित माल आदि की उचित मात्रा का प्रबंध करना है। इसे संस्था में
सामग्री में तैयार माल दोनों का प्यार मात्रा में स्कंध बना रह सकेगा तथा आवश्यकता से अधिक स्कंध न एकत्र न हो सकेगा। परिणाम स्वरूप संस्था का धन अनावश्यक स्कंध में विनियोजित नहीं होगा। इसे स्कंध के विनियोग व्यय गोदाम के किराए बीमा आदि का भार भी संस्था को उठाना नहीं पड़ेगा। लागत नियंत्रण करना उत्पादन प्रबंध का एक कार्य लागतों का नियंत्रण करना भी है। ऐसा करके ही न्यूनतम लागत पर उत्पादन लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। इस हेतु सामग्री श्रम शक्ति के साधनों तथा अन्य उपयोगी लागतों के प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं तथा सभी लागतों को इन प्रमापों के भीतर रखने के प्रयास किए जाते हैं। किस्म नियंत्रण करना किस्म नियंत्रण वह कार्य जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि माल का उत्पादन पूर्व निश्चित प्रमापों के अनुरूप ही हो रहा है। इस हेतु माल उत्पादन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर माल की किस्म की जांच की जाती है। यदि किसी भी चरण पर माल प्रमाणित किस्म के अनुरूप नहीं बनता है तो उसी प्रमाणित किस्म के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यक उपाय किए जाते हैं। अनुसंधान एवं विकास उत्पादन प्रबंध की सफलता निरंतर अनुसंधान विकास पर निर्भर करती है। उत्पादों उत्पादन की प्रक्रिया उत्पादन मशीनों एवं उपकरणों आदि में सुधार करने के लिए निरंतर अनुसंधान की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त नई वस्तुओं नए उपकरणों नई मशीनों नई उत्पादन विधियों के विकास का क्रम भी निरंतर बनाए रखना आवश्यक है। अनुसंधान विकास के बिना कोई भी संस्था हाल में लंबे समय तक कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकती है। इस प्रकार ही उत्पादन प्रबंध के कुछ कार्य या उसके क्षेत्र था जिसके आधार पर एक संस्था को अपना उत्पादन कार्य करना पड़ता है। धन्यवाद।